शिकारी और शिकार जानवरों के रिश्ता हर जगह पर देखने को मिलता है, चाहे वो जमीन हो या पानी या फिर हो आसमान। शिकारी की ये खूनी लड़ाई हर जगह चलती रहती है। अगर आसमान की शिकारियों की बात करें तो वहाँ पर आज चलता है ईगल, फैलकन, फॉग और वल्चर जैसे जानलेवा खूंखार पक्षियों का। ये खतरनाक पक्षी शेर, चीता, टाइगर, मगरमच्छ जैसे को भी शिकार कर लेते हैं, और इनकी तकनीक इतनी अच्छी है अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बस इन्हीं कुछ पक्षियों ने आसमान से लेकर जमीन तक अपने खौफ का भौकाल जमा रखा है। लेकिन आसमान में उड़ने वाले इन पक्षियों का खौफ जमीन पर कैसे पहुंचता है, ये तो सच में हैरानी की बात है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं कि ये पक्षी अपने शिकार को कैसे धर पकड़ते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर एक शिकार इसमें इतना चौंकाने वाला है आप अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। नंबर 10, फेरीग्रीन फैलकन। शिकारी पक्षियों की लिस्ट में फेरीग्रीन फैलकन का नाम टॉप पर लिया जाता है। ये शिकार करने में बहुत माहिर होते हैं और अपने शिकारी को खतरनाक तरीके से पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। फेरीग्रीन फैलकन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, जिस कारण इसे दुनिया के सबसे रेस पक्षी माना जाता है। ये खतरनाक पक्षी आसमान में उड़ते हुए शिकारियों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन इसके शिकार के दो अनोखे तरीके होते हैं। पहला तो ये उड़ते हुए पक्षियों के बीच में घुसकर अपने शिकार पर हमला कर उसे पकड़ लेता है, और दूसरा जब ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जाकर अपने शिकार को देखता है और उसके तरफ उड़ान लगा देता है। उस टाइम उसकी स्पीड लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, और दोस्तों ये स्पीड इतनी तेज है कि शिकार खुद को इससे नहीं बचा पाता और फेरीग्रीन फैलकन उसे धर दबोचता है। इसकी शरीर की बनावट इतनी ज्यादा मजबूत है कि शिकार के लिए आसमान में उड़ती हुई की मौत से कम नहीं है। इसके बड़े पंख और ऊंची और तेज उड़ान इसके तेज उड़ान में मदद करते हैं, और इसके पंजे इतने ज्यादा नुकीले होते हैं कि उससे छूटना शिकार के लिए नामुमकिन होता है। नेक्स्ट है हार्पी ईगल। ईगल के दुनिया में हार्पी ईगल को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसकी पकड़ किसी भी जानवर पर इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि शिकार इसके चेंगुल से नहीं निकल पाता। जब ये खूंखार शिकारी अपने शिकार के ऊपर पकड़ता है तब उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जबकि इसकी पंखों का साइज 5 से 7 फीट तक की होती है, जिसके चलते इसे दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में जगह मिली है। इसके शिकार करने का तरीका भी इतने ज्यादा खतरनाक है कि इसे किंग ऑफ स्काई भी कहा जाता है। अब आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। यहाँ एक स्लोथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में है और ये इस बात से अनजान है कि किसी खूंखार पक्षी का नजर इसके ऊपर पड़ चुकी है। तब अचानक से एंट्री होती है हार्पी ईगल की, जो तेजी से उड़ता हुआ स्लोथ पर हथपट्टा मारता है और उसे अपने पंजों से पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। अब आप खुद हार्पी ईगल का ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी कई ऐसी क्वालिटी को देखते हुए इसे फैनिमा का नेशनल बर्ड बनाया गया है। इसे आसानी से सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है रेड टेल्ड हॉक। बात जब खूंखार पक्षी शिकारियों की होती है तो रेड टेल्ड हॉक का नाम आ ही जाता है। ये इतना बड़ा शिकारी है कि अपने से बड़े शिकारियों से भी उलझ जाता है। इसकी खुद की वजन चाहे 1 किलो ही क्यों ना हो, मगर ये खुद से भारी शिकारियों का शिकार करने के में भी हिम्मत रखता है। सबसे बड़ी खासियत ये है हवा में उड़ते हुए भी अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है। अक्सर इसका हमला छोटे पक्षियों पर होता है जो हवा में रहते हैं और वहाँ पहुंचकर अपने मजबूत पंजों में दबोच लेता है। जैसे यहाँ हमें रेप्टाइल हॉक दिख रहा है जो चमगादड़ों के झुंड के बीच पहुंच गया है। अचानक ये अपने पंखों को खोलता है और अगले ही पल एक चमगादड़ को अपने पंजों में दबोच लेता है। चमगादड़ कुछ समझ में नहीं आता और रेप्टाइल हॉक का शिकार बन गया। ये उड़ते हुए तो किसी मौत का फरिश्ता है, मगर दोस्तों बैठे हुए भी ये शांत नहीं रहता। जब ये अपने आसपास किसी पक्षी को देखता है तो उसके ऊपर झपट्टा मार के उसे अपना शिकार बना ही लेता है। तो चलिए आगे चलते हैं। साइक बर्ड। आपने अपने लाइफ में एक से बढ़कर एक खूंखार पक्षियों को देखा होगा, लेकिन साइक बर्ड को देखना आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ये चिड़िया देखने में चाहे छोटी या बहुत प्यारी दिख रही होगी, लेकिन दोस्तों असलियत में काफी ज्यादा खूंखार है। ये एक ऐसी मांसाहारी चिड़िया है जिसकी शिकार करने के तरीका बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि दूसरे शिकारियों की तरह अपने शिकार को मारकर खाने के बजाय ये उसे धूप में सुखाकर खाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो इसके पीछे भी इस साथी चिड़िया का ही दिमाग है। दरअसल ये किलर बर्ड आमतौर पर छोटे सांप, छिपकली, तीते जैसे छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाती है, और इसको ये अच्छे से मालूम है कि इनके शरीर में मौजूद जहर को खाना इसके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ये अपने शिकार को खाने से पहले सुखाने के तरीका अपनाती है ताकि उसके पूरे शरीर का जहर
उसके साथ सूख जाए और वो सारा जहर खत्म हो जाए। स्ट्राइक बर्ड अपने किसी शिकार को पकड़ के उसे कांटों में लटका देती है और जब शिकार पूरी तरह से सूख जाता है तो उसे नोच खाती है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। गोल्डन ईगल, खुले मैदानों और पहाड़ों में रहने की शौकीन गोल्डन ईगल एक खूंखार पक्षी है जो अपने पंखों का फैलाव 7.2 फीट तक कर सकता है और बिना रुके कई मील दूर तक उड़ान कर सकता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक दिन में करीब 125 मील तक उड़ सकता है। जब ये हवा में होता है तो इसकी स्पीड 30 मील प्रति घंटा होती है, जबकि गोता लगाते समय इसकी स्पीड 200 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और इसी कारण ये दुनिया के सबसे तेज पक्षियों में से एक है। वहीं शिकार के मामले में भी गोल्डन ईगल किसी से कम नहीं है। वहीं दूसरे जानवर अपने बराबरी वाले छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, वहीं ये अपने से बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेता है। इसके शिकार करने की टेक्निक इतनी अनोखी है कि शिकार के ऊपर झपट्टा मारकर उसे अपने पंजों में दबोच लेता है, लेकिन शिकार जब उससे बड़ा होता है तो उसे उठाने के बजाय किसी ऊंची जगह से उसे नीचे फेंक देता है ताकि उसकी जान निकल जाए। इसकी ऐसे ही खूबी को देखते हुए इसे अल्बानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और कजाकिस्तान जैसे देश ने गोल्डन ईगल को अपना नेशनल बर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट है बॉल्ड ईगल। आगे के 5 प्रजातियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वरना दोस्तों आप एक ही वीडियो से बोर हो जाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कर दो, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें दोस्तों, कल ही आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।